हेलो दोस्तों, आज हम हाजिर हैं संख्या पद्धति के एक्सरसाइज 1.2 के कंप्लीट सॉल्यूशन को लेकर। उम्मीद है आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। यदि कहीं पर किसी भी सवाल में कोई भी समस्या होती है तो कमेंट करके आप आसानी से पूछ सकते हैं। तो हम चलते हैं और देखते हैं अपने भाग दो को, कक्षा 9 के गणित के भाग दो के प्रश्नावली 1.2। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पहले एक्सरसाइज को, ये तो हमारा भाग 3 हो गया ना, क्योंकि पहले भाग में हमने परिचय उपलब्ध करवाया था, दूसरे भाग में एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन, अब भाग 3 में हम क्या दिखा रहे हैं, प्रश्नावली 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में लिखा गया है कि नीचे दिए गए कथनों को देखकर आप बताइए कि सत्य हैं अथवा असत्य और कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। तो पहला कथन जो लिखा गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या कह रहे हैं? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यदि आप ध्यान दें तो हमने आपको पहले वाले वीडियो में ही बता दिया था कि जो संख्याएं संख्या रेखा पर दिखाई जा सकती हैं वे सब की सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो वह अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, इसलिए अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो कथन क्या है? कथन सत्य है और कारण है, चूंकि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। बस क्या यह कथन सत्य है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। मजा आ रहा होगा क्योंकि इतनी आसानी से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जा रहा है घर बैठे। हम आपके सिलेबस को कंप्लीट करेंगे पूरी तरह से, वो A to Z, एक एक क्वेश्चन। यदि एग्जाम्पल्स में भी आपको कोई समस्या होगी कहीं पर कुछ समझने में तो आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको बता देंगे एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन को भी, यदि आपको समझने में वहाँ पर कठिनाई हो रही होगी तो। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m क्या है? एक प्राकृत संख्या है। m क्या है? एक प्राकृत संख्या है। अब यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि संख्या रेखा पर आप देखें तो ऋणात्मक संख्याएं भी हैं और धनात्मक संख्याएं भी हैं। संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं हैं, और √m के रूप का यदि देखें, 1 जो है √1 = 1 तो है, और a यदि देखें 2 √4 = 2, मतलब 2 को √4 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हम देखें कि √m के रूप का है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, तो 1 भी प्राकृतिक संख्या है और a 4 भी प्राकृतिक संख्या है। लेकिन यदि हम बात करें -2 की, बात करें -1 की, बात करें -3 की, इनकी बात यदि हम करेंगे तो हम देख रहे हैं किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होता है वह ऋणात्मक नहीं होता है। बस यही एक कथन है, एक कारण है कि यह कथन असत्य है। तो यह कथन क्यों असत्य हो रहा है? क्योंकि कोई भी जो वर्गमूल होता है वह ऋणात्मक नहीं होता है। हम कहेंगे चूँकि किसी भी संख्या प्राकृत संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता है, है ना? और संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि √m के रूप का सब है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। 0 भी तो नहीं है, किसी भी संख्या का वर्गमूल 0 भी नहीं होता है। अब अगला कथन है क्वेश्चन नंबर 1 के 3rd पार्ट का। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब जितनी वास्तविक संख्याएं हैं भैया, ये तो लेकर डूब गए। कह रहे हैं कि जितनी वास्तविक संख्याएं हैं सब की सब क्या हैं?
अपरिमेय संख्याएं हैं, सबके सब क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यह कथन क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि उसी संख्या रेखा पर आपका वन भी है, टू भी है, थ्री भी है, फाइव भी है, माइनस वन भी है, माइनस टू भी है, वन बाई टू भी है, वन बाई फोर भी है, फाइव बाई थ्री भी है। बहुत सारी संख्याएं हैं जो वास्तविक तो हैं लेकिन वो अपरिमेय नहीं हैं। एक उदाहरण हम दे देते हैं, चूंकि या ऐसे कह लें उदाहरण के लिए क्या पाँच एक वास्तविक संख्या है जो कि एक अपरिमेय संख्या नहीं है। बस सिंपल सी बात है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा क्वेश्चन, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो उदाहरण से प्रदर्शित कीजिए। तो हम कहेंगे नहीं, बस इतना ही लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे, नहीं। इसका सोल्यूशन है नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे क्या, √16 = 4, इसके पहले √4 = 2, इसके बाद √9 = 3, मतलब प्लस माइनस। अब क्या, धनात्मक पूर्णांक 16 का जो वर्गमूल है वह ±4 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। √4 का वर्गमूल ±2 एक क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है। √9 का वर्गमूल ±3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। इसलिए यह कथन हमारा असत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन, √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। यही है हमारा सवाल कि √5 को संख्या रेखा पर आप कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से एक हम संख्या रेखा खींच लेंगे, इस संख्या रेखा में बीचों बीच 0 मानेंगे, फिर थोड़ा सा गैप दे देकर 1, 2, 3 ऐसे 4, 5 यहाँ तक नोटेशन बना लेंगे, फिर माइनस साइड में −1, −2, −3, −4 जितना आपका मन करेगा उतना आप खींच लीजिएगा, −4 बस ऐसे जाने दो। अब 0 और 1 के बीच का जो गैप है, जितना गैप 0 से 1 के बीच का है, एक लंब 1 पर, इसको आप मान लीजिए ए पॉइंट, 1 को मान लीजिए ए, और इस पर एक लंब डालिए ऐसे खींच दीजिए। चलिए हम डस्टर से खींच लेते हैं, ऐसे आप रखिए और यहीं से खींच लीजिए, फिर एक लंब 0 पर खींच लीजिए, ऐसे देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक लंब खींचे, यहाँ पर एक लंब खींचे, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। जितना गैप 0 से 1 के बीच का है उतना ही गैप यहाँ पर है आपस में, और उतनी लंबी यहाँ से ए है, ऐसे यहाँ पर एक चाप लगा दीजिए, फिर यहाँ पर एक चाप लगा, इसे मिला दीजिए ऐसे। अब यह क्या हुआ, एक स्क्वायर बन गया है, ए 1 है तो ए भी 1 है, ए है 1, ए भी 1 है, एक स्क्वायर बन गया। अब आपको पता है कि यदि हम यहाँ पर एक विकर्ण खींच लें ऐसे, तो यह विकर्ण कितना होगा, यह विकर्ण होगा √2, यह विकर्ण कितना होगा, √2। अब पहले प्रोसेस क्या है, 0 से 1 के बीच में जितना गैप है उतना ही ये वाला मतलब स्क्वायर बना लिए, और जब ये विकर्ण हम खींचेंगे, सपोज करो ये बी है, ए सी है, तो ये जो ओ बी है, ओ बी क्या है, √2 होगा। हमको क्या करना है, √3, √4, √5, √6 बहुत ही आसानी से देखो हम भी प्राप्त कर लेंगे। हम यहाँ पर जितना बड़ा ये 1 था उतना ही बड़ा एक लंब और हम यहाँ खींचेंगे, उतना ही बड़ा एक लंब और खींचेंगे, और हम ऐसे आगे बढ़ा देंगे, जितना बड़ा ये था उतना कट कर लेंगे। अब वहाँ से हम इसको मिला लेंगे, ए वाली नंबर, इनको आप पेंसिल से बनाएंगे तो इनको ऐसे मिटा लीजिए, इनकी ज़रूरत अब नहीं है। तो ए था वन, अब ए भी है 1, और ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। ए √2 था तो अब ये मौके पर क्या है, √3 है। फिर यहाँ पर आप क्या करिए, 90 अंश का कोण बनाते हुए
एक और रेखाखंड खींचिए, जितना बड़ा ए है उतना ही बड़ा यहाँ पर कट कीजिए और यहाँ से ऐसे जीरो को मिला लीजिए। जीरो को मिला लेंगे तो अब ये क्या है, यहाँ पर मान लो सी, यहाँ पर मान लो डी, तो अब ये क्या है अंडर रूट फोर। अब उसके बाद फिर यहाँ पर एक लंब डाल दीजिए ऐसे, जब लंब डाल देंगे जितना बड़ा ये था वन, ए भी वन, साइज कैसे कट कर लीजिए। उसके बाद इस पॉइंट से यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, अब ए क्या हुआ है, ये हमारा है अंडर रूट फाइव, ए है ई। तो जो ओ ई है, ओ ई बराबर क्या आ गया है अंडर रूट फाइव। तो संख्या रेखा पर अंडर रूट फाइव को डिनोट करना है, तो हम कैसे डिनोट करेंगे। अब आप सबसे पहले तो ये जानिए कि अंडर रूट फाइव को प्राप्त कैसे किए हैं। ओ ए जितना बड़ा था उतना ही बड़ा यहाँ पर लंब डाले और यहाँ से हमने ऐसे इसको मिला लिया, उसके बाद इस पर हमने लंब डाला, फिर इतना बड़ा जितना ये वन था वन साइज का हमने यहाँ काट लिया, मतलब अगर ये एक सेंटीमीटर मानते हैं तो ये भी एक सेंटीमीटर कैसे कट कर लिए, फिर यहाँ से इसको मिला लिया, ये हो गया अंडर रूट थ्री। फिर इस पर एक सेंटीमीटर का लंब खींचा और डी से ओ को मिला लिया, ओ डी बराबर हो गया अंडर रूट फोर। फिर एक सेंटीमीटर का चाप यहाँ पर लगाया और ये क्या हो गया नब्बे अंश का कोण बनाया, ये हो गया है हमारा क्या है ओ ई बराबर अंडर रूट पाँच। तो हम अंडर रूट पाँच को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए यहाँ ओ ई को त्रिज्या मान लेंगे और ऐसे 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 डॉट लाइन ले जाएंगे तो यहाँ पर दो के थोड़ा सा आगे अंडर रूट पाँच आएगा। यदि अंडर रूट दो को हम संख्या रेखा पर दिखाना चाहते हैं तो ओ बी को मानेंगे त्रिज्या और ऐसे 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 डॉट लाइन यहाँ ले आएंगे। यदि रूट थ्री को यहाँ पर दिखाना चाहते हैं तो ओ सी को मानेंगे त्रिज्या और ऐसे 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 डॉट लाइन ले आएंगे तो यहाँ जाएगा। और इस प्रकार से यदि हम अंडर रूट चार को दिखाना चाहते हैं तो अंडर रूट चार बराबर होता है दो और ऐसे 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 ले जाएंगे तो यहाँ दो पर जाएगा और ओ डी की त्रिज्या से हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फोर, अंडर रूट फाइव, अंडर रूट सिक्स किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर बड़ी आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। नंबर थ्री में हम चलेंगे और देखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं ओ। क्या पॉइंट ले लेते हैं हम, ओ पॉइंट ले लेते हैं। अब एक मानक दूरी का हम एक रेखाखंड खींचते हैं पी वन बिंदु तक, मतलब ये ओ पी वन हम खींच लिए हैं, मान लेते हैं एक है इकाई दूरी का है। अब उसके बाद इस पर हम 90 अंश का कोण बनाती हुई इतनी ही लंबाई की दूसरी रेखाखंड खींचेंगे P1 P2, A1 है तो ए भी 1 होगा, ये यहाँ पर 90 अंश है। यहाँ से यहाँ तक जब हम इसको मिला देंगे ऐसे तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू। फिर जितना P1 P2 है उतनी ही दूरी का दूसरा रेखाखंड इस पर एक और लंब डालकर खींच लेंगे, ये होगा P2 P3। जब P2 P3 को खींचेंगे ये हो गया है वन और फिर OP3 को हम मिला देंगे। अब जब OP3 को मिला देंगे ये ऐसे आएगा यहाँ पे, तो अब ये बन चुका है रूट थ्री। उसके बाद हम इसी P1 P2 और P2 P3 के दूरी के बराबर एक दूसरा रेखाखंड खींच लेंगे और यहाँ पे लंब हो गया ये होगा P4। फिर ओ पी फोर को ऐसे मिला लेंगे, ए कितनी दूरी का होगा, ए होगा अंडर रूट फोर का। इस प्रकार से हम चाहें अंडर रूट फाइव, अंडर रूट सिक्स किसी भी दूरी को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको ऐसे मोड़ते हुए ओ पी टू से इसे मोड़ देंगे, फिर यहाँ से मोड़ देंगे, फिर यहाँ से ऐसे मोड़ कर हम एक सुंदर सा सर्पिल बना लेंगे। बड़ी आसानी से क्लास में हम इसको बना सकते हैं।